जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज के समय में ग्रामीण अंचल को उन्नत और सशक्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिसंबर तक प्रदेश के ग्रामीण एरिया में 108 डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। उसका फायदा ग्रामीण युवाओं को होगा, युवा पेपर की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। उसके बाद IAAS, IPAS और केंद्र की नौकरियों में भी ग्रामीण युवा आगे रहेंगे। चौधरी देवी लाल पढ़ाई की अहमियत समझते थे, वे कहते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। आज भी देश के 70% आबादी गांव में है। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, आज उनकी पार्टी बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन दे रही है। जल्द ही इस राज्य को बढ़ाने का काम किया जाएगा। नई अर्थव्यवस्था के तहत अब पेंशन को लेकर अहम बदलाव करने जा रही है। पेंशन कटने से पहले सरकार की ओर से लाभार्थियों के फोन पर SMS भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन जर्नल ऑफ इंडिया मृत जन्म के डाटा पर फीड में भेजकर असली निरीक्षण किया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से। इसके बाद सभी जिला के समाज कल्याण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही संबंधित गांव के नंबरदार, तहसीलदार या अन्य समाज अधिकारियों की दस्तखत दी जाएगी। बाद ही विभाग पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।